दोस्तों फिल्म सिंघम से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली मशहूर अभिनेत्री काजल अग्रवाल एक्टिंग के साथ साथ फोटोशूट की वजह से भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। काजल अग्रवाल की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको काजल अग्रवाल के जीवन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों काजल अग्रवाल के इस हैरान कर देने वाले किस्से के बारे में जानने के लिए बंधे रहिए इस वीडियो के एंड तक। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि काजल अग्रवाल आजकल अपने एक फोटोशूट को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर बेहद ही बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। बता दें कि एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इस फोटोशूट में ब्लैक कलर की बिकनी अवतार में नजर आ रही हैं। काफी समय के बाद काजल का ऐसा फोटोशूट देखने को मिला है। एक्ट्रेस इस फोटोशूट में स्विमिंग पूल के अंदर खड़ी हुई पानी में मस्ती के मूड में दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों अपने इस खूबसूरत अवतार में एक्ट्रेस कहर ढाते हुए नजर आ रही हैं। फैंस इनके गॉर्जियस लुक की जमकर तारीफें कर रहे हैं। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपनी इस फोटो में पानी में खड़े हुए अपनी खूबसूरत बैग को फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं। दोस्तों काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून 1985 को मुंबई में हुआ और इनके पिता विनी अग्रवाल एक बिजनेसमैन हैं और इनकी मदर एक हाउसवाइफ हैं। काजल अग्रवाल की छोटी बहन निशा भी एक एक्ट्रेस हैं और वो भी तेलुगु और तमिल कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वहीं दोस्तों एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने निर्देशक तेजा की फिल्म लक्ष्मी कल्याण के जरिए कल्याण राम के अपोजिट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। बॉलीवुड में काजल अग्रवाल को अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम में काम करने का मौका मिल गया। अब एक्ट्रेस काजल अग्रवाल बॉलीवुड को छोड़कर टॉलीवुड में ही अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दोस्तों काजल अग्रवाल बेशक बॉलीवुड में अपना सिक्का ना जमा सकी हूं, लेकिन साउथ इंडिया में काजल अग्रवाल का नाम टॉप एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। काजल के कैरियर की सबसे हिट फिल्म मागाधीरा मानी जाती है। ये राजमौली की फिल्म थी जिसने रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रिपोर्ट्स की माने तो काजल अग्रवाल एक फिल्म में काम करने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ फिल्मों से बॉलीवुड में कदम रखने वाली काजल अग्रवाल ने अपनी जिंदगी में एक बार टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। दोस्तों दरअसल FHM मैगजीन के कवर पेज पर इनकी टॉपलेस फोटो खूब वायरल हुई थी। काजल का कहना था कि इन्होंने कोई टॉपलेस फोटोशूट नहीं करवाया, वहीं कंपनी का कहना था कि इन्होंने करवाया है। काजल ने इनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ करने का कंपनी पर आरोप लगाया। इस पर कंपनी की तरफ से बहुत घटिया बयान भी आया जिसमें इन्होंने कहा कि काजल अग्रवाल टॉपलेस फोटो में इनका बाजू और इनकी टी शर्ट भी जितना कवर नहीं कर सकता। इसके साथ ही कंपनी ने काजल अग्रवाल के टॉपलेस का कंपनी के खिलाफ मुद्दा उठाना खुद को प्रमोट करने का जरिया माना। इसके साथ ही आपको बता दें कि काजल कई पॉपुलर ब्रांड्स के लिए भी एड्स करती हैं। फिल्मों के अलावा काजल अग्रवाल ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काजल अग्रवाल साउथ के बाहुबली स्टार प्रभास की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। एक समय पर दोनों के अफेयर्स की चर्चाएं जोरों पर थीं। हालांकि ये रिश्ता किसी मुकाम पर पहुंचने से पहले ही टूट गया। इसके बाद काजल ने बिजनेसमैन गौतम से शादी कर ली और वो आज अपनी जिंदगी बड़े खुशहाल तरीके से जी रही हैं। तो दोस्तों आपको काजल अग्रवाल के इस किस्से और फोटोशूट के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही दोस्तों टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस सेलिब्रिटी की चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।